विशेष मेष राशि वालों के लिए भी मिलाजुला समय हो सकता है। आप सभी रिश्तों को लेकर धैर्य रखें, अपनी ओर से टीका टिप्पणी ना करें। सप्ताह खत्म होते होते आपको थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। इस सप्ताह परेशानी और चिंता तो रहेगी, लेकिन जल्दी समाधान भी मिल सकता है। जिनसे आप या तो परेशान चल रहे थे या जिनकी अनदेखी करते जा रहे थे, ऐसे काम इन दिनों में निपट सकते हैं। आपको बीच की स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। आपको सप्ताह के आखिरी दिन थोड़ी सावधानी से निकालने चाहिए। परेशानी भरी स्थिति से बाहर निकलने का समय आ गया है। आपको इसी सप्ताह इसके इशारे भी आपको मिलेंगे। जीवन साथी से जुड़ी कोई चिंता इन दिनों में आपको परेशान कर सकती है। आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। वाणी से आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। संयम रखें, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। लव लाइफ के मामले में सावधान रहें। पार्टनर या लवर के साथ कुछ गलतफहमियां भी होने के योग बन रहे हैं। करियर, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ सकती है। अन्य स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। मेष राशि के लोगों को पूरे सप्ताह सावधान रहने की जरूरत है। कोई बड़ी परेशानी आ सकती है, लापरवाही ना करें। हेल्थ, इन दिनों में सेहत संबंधित बड़े उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। पुराने रोगों को लेकर लापरवाही से बचें। वृष, सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि से होगी। चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आपके दिन भी अच्छे होते जाएंगे। आनंद और खुशियों के अवसर मिल सकते हैं। इन दिनों में आपके ज्यादातर शौक भी पूरे होंगे। दोस्तों से गपशप और मदद भी इन 7 दिनों में मिलेगी। इनकम और सेविंग बढ़ सकती है। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों में आप लकी भी हो सकते हैं। लंबी बहस में पड़ेंगे तो अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। अपने कामकाज पर ध्यान दें, जहां बकाया काम बहुत सारा है। इन दिनों में जमीन जायदाद के सौदों में फायदा होने के योग बन रहे हैं। लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ कर सकते हैं। नए काम की योजनाएं बन सकती हैं। इन दिनों में आप लोगों को आकर्षित करेंगे। यात्राओं के योग बन रहे हैं। संतान से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। सप्ताह के आखिरी दिनों में दोस्तों, भाइयों या साथ काम करने वालों की मदद नहीं मिलने से भी आपका मूड खराब हो सकता है। लव लाइफ अच्छी हो सकती है। इन दिनों को अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिताएं। पार्टनर आपकी बातें मानेगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। करियर, मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा। कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत के बाद ही सफल होंगे। नए काम की योजनाएं बन सकती हैं। रुके हुए काम भी पूरे होंगे। पैसा बनेगा और सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा हो सकता है। हेल्थ, वृष राशि के लोग पुरानी बीमारियों से भी परेशान हो सकते हैं। चोट, कट या किसी तरह की जलन भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ज्यादातर मामलों में यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा होने के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपका खर्चा बढ़ सकता है। चंद्रमा इन दिनों में गोचर कुंडली के खर्चे के घर से शुरू होकर पराक्रम भाव तक जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। सप्ताह के बीच में 1-2 दिन आपके लिए खर्चा बढ़ाने वाले रहेंगे। पुरस्कार, सम्मान, प्रमोशन, प्रतियोगिता में जीत हासिल हो सकती है। कोई अच्छी खबर भी इन दिनों में मिल सकती है। मन में उत्साह और उम्मीदें भी हो सकती है। हालांकि बार बार कई तरह के विचार आप पर हावी रहेंगे, जिनसे एकाग्रता में परेशानी हो सकती है। आप बहुत चतुराई से बात करेंगे। इन दिनों में कोई आपको चैलेंज भी कर सकता है। कोई भी फैसला बहुत सोच विचार कर ही ले। किसी काम की टेंशन लगातार हो सकती है। उसका जल्दी ही समाधान हो सकता है। अचानक धन मिलने के भी योग बन रहे हैं। लव लाइफ सामान्य रहेगी। इन दिनों में लव लाइफ में कुछ खास बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। करियर हर तरह के इंजीनियर्स और मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स को इस सप्ताह अच्छी सफलता मिल सकती है। गुस्से के कारण आपके कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन आपके लिए प्ले से ठीक भी रहेंगे। हेल्थ अफेक्ट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे। कर्क भूमि, भवन, वाहन से फायदा हो सकता है। यात्राएं भी होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इन दिनों की शुरुआत में गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव से शुरू होकर धन भाव तक आएगा। आप सेविंग करना चाहते हैं तो कुछ दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष से भी विवाद होने के योग बन रहे हैं। किसी ऐसे काम में या ऐसी भस में उलझ सकते हैं जिसका कोई परिणाम ना निकलना हो। किसी पार्ट टाइम काम की जरूरत आपको महसूस हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, समस्याएं सुलझेंगी और आप बड़े फैसले भी इन दिनों में निपटा सकते हैं। बिजनेस के लिए सप्ताह शुभ रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में संतुलन रखें। लव कर्क राशि वालों को लव लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। इन 7 दिन के लिए तैयार रहें। करियर स्टूडेंट्स के लिए पूरा सप्ताह शुभ हो सकता है। ग्लैमर जगत में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स इस सप्ताह आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र और बिजनेस के लिए ये 7 दिन अच्छे हो सकते हैं। हेल्थ, इन दिनों में सेहत से जुड़ा कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सेहत थोड़ी नरम जरूर हो सकती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। कोई खास उथल पुथल नहीं होगी। कार्यक्षेत्र के साथ साथ योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई खरीदारी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप लोगों की बातों में फंस सकते हैं, सावधान रहें। अपने सम्मान, समाज में अपनी हैसियत और अपनी सफलताओं को लेकर सावधान रहना होगा। इन दिनों में दूसरों का व्यवहार आपके लिए ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। उसके प्रति भी आपको सचेत रहना होगा। नौकरी में सफलता मिल सकती है। नई चुनौतियां आपको नई दिशाओं में आगे बढ़ा सकती है। इस सप्ताह के आखिरी दिनों में आपका पैसा अचानक कहीं अटक सकता है और खर्चा भी बढ़ सकता है। सोचे हुए काम समय पर नहीं होने से आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। आप परेशान हो सकते हैं। धीरे धीरे सप्ताह के आखिरी दिनों तक परेशानियां खत्म हो सकती है। माँ का आशीर्वाद लेकर काम के लिए निकले। काम पूरे होने के चांस और बढ़ जाएंगे। लव सिंह राशि वालों को इन दिनों में सावधान रहना होगा। पार्टनर से झूठ ना बोले, वरना संबंध खत्म होने तक बात बढ़ सकती है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। मेडिकल छात्रों को भी सामान्य सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस को लेकर कोई उथल पुथल भी हो सकती है। काम समय पर हो जाएंगे। हेल्थ, सेहत के मामले में ये 7 दिन सिंह राशि वालों के लिए ठीक ठीक रहेंगे। सेहत संबंधी परेशानियां कम होने के योग बन रहे हैं। कन्या, इस सप्ताह समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। दौड़ भाग और टेंशन हो सकता है। इन दिनों में आप फालतू झंझट में पड़ने से बचें। आपके लिए यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला हो सकता है। कुछ लोग तरह तरह की सलाह भी आपको दे सकते हैं। आप कोई भी फैसला लें तो अच्छे से सोच विचार कर ही करें। पैसों के मामलों में जहां तक हो सके किसी तरह के झमेले में ना पड़े। पैसों को लेकर किसी के साथ विवाद या कहासुनी भी होने की संभावना है। उलझे हुए पारिवारिक मामले सुलझ सकते हैं। सप्ताह के बीच के कुछ दिन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इन दिनों में गोचर कुंडली का चंद्रमा किस्मत और कर्म भाव में रहेगा। ऑफिस, फील्ड और बिजनेस में भी कुछ रुकावटों का सामना करने के बाद आपको मेहनत से सफलता मिल सकती है। लव, इन दिनों में लव पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें। पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद कर दें। करियर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी सफलता मिल पाएगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इन दिनों में खुश हो सकते हैं। इस सप्ताह कोई नया बड़ा काम नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है चलने दे। हेल्थ, पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं। रोग खत्म न होने के कारण भी तनाव हो सकता है। तुला, यह सप्ताह अच्छा रहेगा। सोचे हुए कामों में सफलता भी इन दिनों में मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। मानसिक संतोष भी रहेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें घर से शुरू होकर 11वें भाव तक जाएगा। इन दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परंपरा के विरुद्ध जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। छिटपुट मामलों पर दूसरों के साथ विवाद से बचें। इन दिनों में चलता काम निपटने से आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार से ऑफिस में समस्या खड़ी हो सकती है। इन दिनों में आपको मान सम्मान मिल सकता है। अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। लव, इस सप्ताह आपको पार्टनर से सरप्राइज और खुशी मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए 7 दिन अच्छे हो सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। निर्माण कार्यों से जुड़े लोग इन दिनों में खुश हो सकते हैं। योजना से काम करना चाहिए। पुरानी योजनाएं भी पूरी हो सकती है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। हेल्थ, पुराने रोग फिर परेशान कर सकते हैं। सावधान रहे। वृश्चिक, चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में गोचर कुंडली के रोजमर्रा के भाव में रहेगा और 10वें घर तक जाएगा। इन दिनों में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। समय आपके करियर के लिए खास हो सकता है। धन लाभ के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में भी दिन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप में जो खासियत है, उस पर गौर किया जा सकता है। ऐसा मौका भी मिल सकता है, जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। आप किसी काम की जिम्मेदारी दूसरों को देने के लिए राजी नहीं होंगे। आप कोई भी काम पूरे आत्मविश्वास से खुद ही निपटाने की कोशिश में रहेंगे। बेचैनी के कारण हो सकता है कि नियमित कामों में भी आपका मन ना लगे। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको सावधान रहना होगा। इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में उधारी से बचें। लव, इस सप्ताह के कुछ दिन पार्टनर से दूर रहेंगे और कुछ दिन पार्टनर के साथ। लव पार्टनर 1-2 दिन आपसे थोड़ा परेशान हो सकता है। करियर स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी। फैशन के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने के योग है। ये 7 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। हेल्थ, सेहत सामान्य रहेगी। खान पान में सावधानी रखें। कोई इलाज चल रहा है तो दवाइयाँ समय से लें। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी परेशानियां भी आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में नए काम दुश्मनों के कारण रुक सकते हैं। नए कामकाज की योजनाएं बनेंगी। धीरे धीरे सोचे हुए काम पूरे होने लगेंगे। बिजनेस में अचानक फायदा होने के योग बन रहे हैं। सेहत के मामले में भी समय अच्छा हो सकता है। नौकरी में बदलाव के बारे में विचार करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और यह दौर पूरे सप्ताह चलता रहेगा। अपनी प्रगति से आपको संतोष भी मिलेगा। आपके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, मौके भी हैं। आपको बस हल्की सी मदद की जरूरत है। कई तरह के कंफ्यूजन खत्म होंगे। नकारात्मकता और डर खत्म होगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए। लव, धनु राशि के लोग इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय पार्टनर के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। करियर, इस सप्ताह विद्यार्थी बहुत सफल होंगे। दोस्तों और साथ के लोगों से मदद मिलती जाएगी। इस राशि के लोग 7 दिनों में योजनाएं बनाएंगे, जो पूरी होगी। इनके सोचे हुए काम पूरे होंगे। नया निवेश सोच समझ कर करें। अन्यथा इस राशि के लोग पेट और सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। मकर, इन 7 दिनों में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापारिक यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। आने वाले दिनों के लिए बनाई गई योजनाओं से अचानक धन लाभ हो सकता है। इन दिनों में मकर राशि के कुछ लोग नई नौकरी तलाश कर सकते हैं। इस सप्ताह आप इंटरनेट और फोन के भरोसे बैठने के बजाय एक बार उन लोगों से संपर्क करने की सीधी कोशिश करें जो इस मामले में महत्वपूर्ण है। आप नौकरी नहीं खोज रहे हैं तो हो सकता है आपके किसी दोस्त को नौकरी की जरूरत हो। इन दिनों में आप जोखिम उठाने के मूड में रहेंगे। इस सप्ताह के बीच के दिनों में साझेदार से अनबन हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह सेहत को लेकर सावधान रहें, मौसमी बीमारियां हो सकती है। लव मकर राशि वालों को पार्टनर का मिजाज समझना चाहिए। इस राशि के लोग इन 7 दिनों में अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपे, वरना संबंध भी बिगड़ सकते हैं। करियर, इस सप्ताह स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। समय अनुकूल रहेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। मकर राशि वाले लोग इन दिनों में धैर्य से काम करें। कोई काम पूरा ना होता है तो धैर्य रखें। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। हेल्थ, इस सप्ताह थकान हो सकती है। सप्ताह के कुछ दिन आलस्य में भी बीत सकते हैं। कुंभ, सप्ताह की शुरुआत में आप चंद्रमा के कारण परेशान हो सकते हैं। थोड़ी टेंशन भी रहेगी। कामकाज धीमी गति से हो सकते हैं। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 4 से 7वें भाव तक रहेगा। इस सप्ताह आपको संभलकर आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। पारिवारिक काम के लिए समय निकालना पड़ सकता है। करियर के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सही समय अभी नहीं है। हालांकि अभी आपके पास सुझाव और प्रस्ताव काफी रहेंगे। आपका सही समय कुछ सप्ताह बाद आएगा। इन दिनों में आपके साथ कुछ सुखद घटना भी हो सकती है। आप अपने मौजूदा काम पर ही ध्यान दें। आपकी प्रतिभा दूसरों को प्रेरित करती रहेगी। किसी समस्या की जड़ तक पहुंचकर आप उसका निवारण करने में सफल हो सकते हैं। सेहत संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं। इन 7 दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लव, इन 7 दिनों में लव पार्टनर के साथ नए नए अनुभव मिलेंगे। गलतफहमियां खत्म होगी। करियर, इस सप्ताह कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। फिल्म, फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए काम इन 7 दिनों में नारायण हो सकते हैं। हेल्थ, सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आप चंद्रमा के कारण परेशान हो सकते हैं। थोड़ी टेंशन भी रहेगी। कामकाज धीमी गति से हो सकते हैं। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 4 से 7वें भाव तक रहेगा। इस सप्ताह आपको संभलकर आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। पारिवारिक काम के लिए समय निकालना पड़ सकता है। करियर के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सही समय अभी नहीं है। हालांकि अभी आपके पास सुझाव और प्रस्ताव काफी रहेंगे। आपका सही समय कुछ सप्ताह बाद आएगा। इन दिनों में आपके साथ कुछ सुखद घटना भी हो सकती है। आप अपने मौजूदा काम पर ही ध्यान दें। आपकी प्रतिभा दूसरों को प्रेरित करती रहेगी। किसी समस्या की जड़ तक पहुंचकर आप उसका निवारण करने में सफल हो सकते हैं। सेहत संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं। इन 7 दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लव, इन 7 दिनों में लव पार्टनर के साथ नए नए अनुभव मिलेंगे। गलतफहमियां खत्म होगी। करियर, इस सप्ताह कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। फिल्म, फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए काम इन 7 दिनों में नारायण हो सकते हैं। दीर्घ सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है।